कांग्रेस, आपका प्ले ग्राउंड काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके पीछे का एक ही कारण है एल्विस यादव। अरे वाओ, सच्चाई पता है आपको? जिस तरह से क्रेज हमने देखा बिग बॉस के बाद अब तक वो हमेशा ही बना हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि आपका बहुत जल्द अपकमिंग फिल्म में भी आने वाली है? अरे वाओ, मैं कहना चाहूंगा ये ऊपर वाले की कृपा है, और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, जो आज तक हम हाईलाइट थोड़ा बहुत रह लेते हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने हिस्ट्री में बिग बॉस देखे हैं उसके बाद क्या होता पता है, लोग ना गायब से हो जाते हैं, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है, बट पता नहीं मेरे को, चाहे फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो, किसी ना किसी तरीके से हम लाइमलाइट में रहते हैं, ये अच्छे से नहीं तो कभी बुरे से हो जाते हैं, बट रहते हैं। अरविश, आपके सॉन्ग भी आए थे बहुत जल्द जो कि काफी ज्यादा वायरल हुए, माहिरा शर्मा के साथ में आया हुआ था जो कि थारिंदारनी के लुक में थी, तो जो स्वैग हमें देखने को मिला, तो रियल में भी ऐसे ही कुछ पर्सनालिटी देखने को मिलती है एल्विश का हमें? रियल में उस गाने में ऐसा था, मैं जाके उनसे अपना दोस्त छुड़वा के ले आता हूँ, तो रियल में भी है वैसा ही, ऐसा ही कुछ है, बट थोड़े कैरेक्टर्स चेंज होते हैं कभी कभी, कभी खुद से बाहर आना पड़ता है लेने कोई और आता। एल्विस, जहाँ तक रूमर्स बहुत तेज फैल रहे हैं, जब भी एल्विस का नाम आता है तो बातें बहुत बंदी स्टार्ट हो जाती है, बिना बात की बातें स्टार्ट हो जाती है, तो आपका क्या टैग रहता है इन सब चीजों पे कि ये गलत हो रहा है तो मुझे बोलना चाहिए, यू नो? नहीं, मेरे को मजा आता है एक्चुअली ना कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है, वाओ, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ इसलिए वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कम से कम इग्नोर नहीं कर रहा कोई, सबकी जबान पे है मेरा नाम, तो ये अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए। फिल्में भी बहुत जल्द आने वाली हैं आपकी, दो कुछ बताना चाहें उनके बारे में? मूवीज के बारे में, मूवीज आ रही हैं दो, और इकट्ठी नहीं आ रही, ऑब्वियसली अलग अलग आएगी, और बहुत जल्दी, अभी रिवील नहीं कर सकता, वो ना कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं उसमें बता नहीं सकते। एल्विस, एक जगह और भी नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि एल्विस बहुत जल्द रियलिटी शो में देखे जाएंगे, वो भी खतरों के खिलाड़ी में, इस पे क्या है आपका टेक, क्या सच में एल्विस यादव हमें देखने को मिलेंगे रियलिटी शो में? मैंने पता नहीं शायद किसको बताया था, बट हाँ बताया था कि खतरों के खिलाड़ी में ना क्या होता है, एक वो है मगरमच्छ का, जिसमें मगरमच्छ आते हैं बहुत सारे, वो उठा के मैंने देखा, वो मगरमच्छ से डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो अगर मगरमच्छ होंगे तो भाई मैं नहीं हूँगा, और मगरमच्छ अगर नहीं हुए तो सोचेंगे पहले मगरमच्छ हटाओ भाई। बट एल्विस, मगरमच्छ जो है वहाँ मतलब खतरों के खिलाड़ी में डर ही निकालने के लिए जाया जाता है, तो आपको नहीं लगता अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका शायद वो डर भी निकल जाए? नहीं, मुझे वो निकालना नहीं ना, मुझे वो डर रखना है सदा अपने मन में कि किसी से तो डरे, हम डरे ही ना किसी से, एक मगर मचिए जो डरा सके, तो वो डर मुझे कायम रखना। पापा जी से भी नहीं डरे? पापा के साथ तो प्यार है, डरना नहीं, रिस्पेक्ट कहते हैं उसको, डरेंगे नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। हाल ही में आप नागपुर गए थे, फैंस के साथ आपकी मीटिंग हुई, काफी ज्यादा आपने फोटोज भी दिए, बहुत सारा अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बट अगर मैं आपको कह दूं मतलब मुनव्वर जो है अभी हाल ही में मोहम्मद अली रोड गए थे, वहां पर अगर आप देखे होंगे उनके फैंस तो वहां जमा हुए थे, लेकिन अंडों से मतलब अंडे फेंके गए उनके ऊपर, काफी मतलब मॉब किया गया, मॉब तो आपके साथ, क्या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ अंडे वंडे फेंके गए? नहीं, देखो ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ, बट ये भी गलत है, मैं उसको वो नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा करा या फिर मैं ट्रॉल नहीं करूंगा, मैं बस ये बोलूंगा कि इंसान ना अकेले पड़ जाता है ऐसे सिचुएशन में, मतलब जो भी कोई इतने सारे लोग तुम पे जो भी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा बुरा फील होता है एक्चुअली, ऑब्वियसली कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, बट हाँ कामयाबी के साथ ऐसी चीज़ें आती हैं, अच्छे लोग चाहने वाले मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं, तो देखो हमारे साथ तो भगवान की दया से अभी तक नहीं हुआ, हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारे साथ नहीं किसी के साथ भी ना हो। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज को मतलब सैटेलाइट चैनल को आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ना आपका बहुत ही सिंपल सोबर वाला लुक देखा गया, मतलब एक होता है ना इंटरव्यू देना है तो पूरा रेडी होता है, लेकिन नहीं, एल्विस को ऐसे ही रूप में देखा गया जैसे एल्विस घर पे रहते हैं, तो क्या उसमें सोचा नहीं था आपने कि हाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ, काफी वायरल होगा, वो भी इतना लॉन्ग इंटरव्यू है? नहीं नहीं, मैं ना ऐसा सोचता नहीं, अभी मैं यहाँ सेट पे आ रखा हूँ इसलिए मैं तैयार हो रखा हूँ, बट मेरे को ना ऐसे सजना सवरना या फिर जो भी कपड़े कपड़े इतने ज़्यादा बढ़िया पहनने पसंद नहीं है, मैं लोअर टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, बिग बॉस में भी देखा हुआ आपने, सब सज के रहते थे, हम थोड़े अलग रहते थे, तो मेरा मानना है कि जब लोग देखने आते हैं वो मुझे देखने आते हैं, ना कि मेरे कपड़े वपड़े कि क्या पहन रखा, कितना सजा दजा बैठा है, तो जो मेरे को चाहने वाले लोग होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ें। एल्विस, बहुत जन का ये क्वेश्चन है क्योंकि यूट्यूब से जबकि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, अब रियलिटी शो के बाद एक सीजन में आना, फिर फिल्मों में आना, गाने में आना, कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा खुद को हर एक स्टेप पे चेंज करना? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यार, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि इतना चैलेंज मैं फेस कैसे कर पाऊंगा लाइफ में, बट फिर मेरे को एक इनविजिबल पावर आती है
और उसके बाद जब मैं चैन कुली की मैन कुली बोलता हूँ ना, तो सब चीज़ें मस्त हो जाती हैं और उससे सारी पावर आ जाती है मेरे अंदर की। मूवीज़, गाने, रियलिटी शोज़, फिक्शनल शोज़ जो भी हैं, और जो जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब वगैरह, व्लॉगिंग वगैरह, भाई बहुत मुश्किल है यार, तो कर रहे हैं, पावर चाहिए पर इसके लिए। देखो 2024 में एल्विश के अंदर क्या चेंजेस मतलब हुए हैं, एल्विश खुद फील कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, एज के साथ ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। नहीं, एज का काफी फर्क पड़ता है, जैसे अब गैस नहीं बनती अपने को, समझे? पहले क्या था, पहले यार थोड़ा पेट सा खराब रहता था, मतलब ऐसे इधर ना पेन रहता था लीवर के नीचे, फिर मैंने गोली गाड़ी खानी शुरू कर दी, मगर थोड़ा अपने आप को, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सही रहेगी तो आप काम कर पाओगे ज़्यादा, तो हेल्थ वाला एस्पेक्ट मैंने देखा। ऊपर से चेंजेस आए कि और क्या चेंजेस आए मेरे अंदर, और बस थोड़ा फेस वॉश वगैरह चेंज कर लिया, वो थोड़े पहले दाने वाने हो जाते थे, अब नहीं होते, अब थोड़ा स्किन केयर पर ध्यान दे रहे हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है। ये मूवीज जो आपने बताया, दो बड़ी मूवीज आपने साइन किया है, हाँ जी, कि इसमें पैसे अच्छे खासे लिए या नहीं आपने? अरे मैं पैसों के लिए काम ही नहीं करता, मैं तो प्यार मोहब्बत के लिए काम करता हूँ। दो इज्जत से कोई हमसे बोल जाए, हम हाथ जोड़ के उसके साथ साथ चल देते हैं, प्यार के भूखे हम, प्यार के भूखे। साइनिंग अमाउंट भी नहीं लिया यानी आपने? अरे क्यों ना लिया, लेंगे, पैसा तो जरूरी है भाई, घर कैसे चलाएंगे, तो पैसा भी लिया है, पर सही लिया, जो भी लिया। एल्विश से भी जानना चाहेंगे, अगर हम एक दो महीने पीछे जाते हैं तो बहुत ऐसे कंट्रोवर्सी हुई है आपके लाइफ में, बहुत जन का ये सवाल है कि एल्विश के साथ इतना सब कुछ होता है, फिर भी एल्विश का जो बात करने का तरीका हो, जो कि एक्सप्लेन करने का तरीका हो, कभी वो अपने डर से पीछे नहीं हटते, इसके पीछे का कारण क्या, या फैमिली सपोर्ट है या किसी और मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है सभी के, क्या बोलना? नहीं, आप जैसे कह रहे हो कि एक दो महीने पीछे चलते हैं, नहीं चलते पीछे, क्यों जाएं पीछे, हम हमें तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखने लग गए तो बस हमारी तो ज़िंदगी चल ली, तो मैं फोकस कर रहा हूँ अब फ्यूचर पे, यही मेरे दिमाग में रहता है हर टाइम, जब भी कुछ नेगेटिव होता है मेरे साथ में, कि यस फ्यूचर का सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। फैमिली सपोर्ट किस तरह से मिलते हैं? आपके पापा बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे दो वर्ड पापा के लिए? मैं दो वर्ड नहीं बल्कि मैं पूरी बुक लिख सकता हूँ पापा पे, तो मैं बोलना चाहूँगा आई लव यू, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जितना आप मेरे से करते हो आई नो, आई अंडरस्टैंड, और जितने भी आप डांट मारते हो वो भी मुझे पता है, आप मेरे भले के लिए ही मुझे डांट मारते हो, सो आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसे फादर साहब मिले, और जैसे वो बोलते हैं हर जन्म में उन्हें मैं अच्छी हूँ, तो सेम हर जन्म में मुझे ऐसे पिताजी चाहिए। अगर हम आपके प्लेग्राउंड की बात करें, सीजन की बात करें, तो आपके फ्रेंड इस सीजन में नजर आ रहे हैं अभिषेक, हाँ जी, तो किस तरह का बॉन्डिंग शेयर किया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी की जिस तरह सीजन बिग बॉस में पसंद किया गया, वही यहाँ पर भी वो फैन फॉलोइंग देखा जा रहा है आप दोनों का? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वो भी अच्छा परफॉर्म करे, उसकी टीम भी, और खूब हमारा भाईचारा दिखे, और जोड़ी तो अपनी अच्छी है, कभी हम टांग खिंचाई करते हैं उसकी, कभी वो करता है, तो अच्छा खासा चल रहा है, कोई ऐसा कोई ग्रज नहीं है किसी के मन में, कोई द्वेष नहीं है, बाहर की चीज़ें चलती रहती हैं छोटी मोटी, सब ठीक हो जाती है, तो पॉजिटिविटी की तरफ हमारा कदम है। क्या बात है एल्विश, लास्ट क्वेश्चन, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को अपने? मैं कहना चाहूँगा कि यार बढ़िया, तुम लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो और खूब सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या फिर होप करूंगा मैं ऊपर वाले से भी कि आप लोग सदा मेरे साथ रहो और खूब मेरा ऐसे ही साथ दो। मच लव टू यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।